सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। पांडे केस का समाधान हो गया, केस चलने का समाधान हो गया, रोके रोकने का समाधान। अभी ये कार्य ने पूछा कि मेहंदी लगाते हैं वो अच्छा, ठीक है, यही प्रश्न है ना। तो मेहंदी कहाँ से आती है, पेड़ से आती है, मेहंदी का पेड़ देखा है आपने, बस। तो जो पेड़ से आई हुई मेहंदी है उसको अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन बाजार से लाई हुई महंगी है उसको लगाई गई तो बहुत खराब। बाजार से लाई हुई महंगी की समस्या क्या है, उसमें कुछ केमिकल मिलाते हैं, और पेड़ से आई हुई महंगी में कुछ मिलावट नहीं है, वो शुद्ध है। तो आपको महंगी लगानी है तो पेड़ से तोड़कर लाएंगे, उसकी चटनी बनाएंगे, वो बाद में लगाएंगे। ये ताई का और एक अच्छा प्रश्न, बाजार में जो महंगी आती है ना उसमें बहुत कुछ मिलाते हैं, आंवला है, सीताकारी है, रीठा है। अगर आपको खातरी है, माने गारंटी है कि वो आंवला ही उसमें मिलाना है तो ले लीजिए, मुझे गारंटी नहीं, क्योंकि बाजार वाले आंवला बोलकर उसमें बहुत कुछ ऐसा मिला देते हैं जो आंवला नहीं है। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि कच्चे पेड़ से मेहंदी के तोड़िए, आंवला आपके घर में है उसको आप खुद मिला लीजिए, आंवला है ना पाउडर पर मिला लीजिए, तो आपकी जो मेहंदी तैयार होगी वो बहुत अच्छी है। मेहंदी जो है आयुर्वेद में औषध है, और ये औषध सिर के बाल की सबसे अच्छी औषध है। मेहंदी करती क्या है, मेहंदी में कुछ केमिकल है, जैसे कैल्शियम भरपूर है उसमें, आयरन उसमें भरपूर है, तो बाल में लगाओ तो यहाँ कैल्शियम की पूर्ति त्वचा के ऊपरी हिस्से में जाती होने से बाल बहुत मजबूत कर देती है मेहंदी, और थोड़ा उसमें मेलानिन बढ़ाने की भी कैपेसिटी है तो बाल काले भी हो जाते हैं। और मेहंदी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ठंडा रखती है, मेहंदी जो है ना बहुत ठंडी है, और ये डोका है ना सिर ये बहुत गर्म है, हाथ रख के देखो बहुत गर्म है, ये हमेशा ठंडा रहना चाहिए, इसलिए मेहंदी लगाना बहुत अच्छा है। आप लगाइए, कभी लगाएं, सप्ताह में एक दिन जाती है, अठवाड़िया तुम एक दिन बस जाती जाती लगाएंगे तो ज्यादा ठंडा हो जाएगा, और ये ज्यादा ठंडा होना तो और एक समस्या आएगी, इसलिए ये जाती ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो सप्ताह में एक दिन आप मेहंदी लगा सकते हैं, ठीक है, समाधान हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।